आज के वीडियो काफ़ी अर्जेंट है बिकॉज अभी भी ताज़ा न्यूज़ आई है कि 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। इसका मतलब हमारे जो सस्ते प्रोजेक्ट्स हैं इनका कॉस्ट ऊपर जाएगा। सो आज मैं एक लाइफ हैक शेयर करूंगा कि इस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। इमेजिन हमें एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है तो उसके लिए चाहिए हमें एक चैसी, मोटर, माइक्रो कंट्रोलर, मोटर ड्राइवर एंड बैटरी। इस चैनल पे हम ऑलरेडी ऐसा ही एक यूवी जर्म किलिंग रोबोट बना चुके हैं। ये सब बनाने में आराम से 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा। बट ऐसा एक प्रोजेक्ट मैंने अपने कॉलेज टाइम में किया था, वो भी इसके आधे दाम में। बेसिकली हमने मिले से एक सस्ती आरसी कार ली, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने माइक्रो कंट्रोलर से रिप्लेस किया, थोड़ा सा कोड लिखा और हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार रेडी थी। दिस इज मी टेस्टिंग सेल्फ ड्राइविंग फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015। कार के आगे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया फॉर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और इस विंडो में उसी सेंसर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं कार को अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर रहा हूँ एंड सेम चीज करने के लिए अगर मैं पार्ट्स अलग अलग करके बनाता तो इसका खर्चा बहुत ज्यादा था। एंड यहाँ पे एक नॉर्मल आरसी कार यूज करके 1000 रुपए से भी कम में अपने लिए एक बॉट बना लिया। हमारा प्लान होता है इस गाड़ी को और आगे ले जाया जाए, बट फिर दिवाली आ गई और हमने इसमें रॉकेट लगा के इसे मार्स से पहुंचा दिया। ये सब करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट इससे भी एक आसान ट्रिक है जिसमें हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में उंगली नहीं करनी है। इंफ्रारेड हैकिंग। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी डिवाइस जिसका रिमोट कंट्रोल IR पे चलता हो, जैसे कि हमारा टीवी एंड AC। टीवी रिमोट में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो कि कोई भी बटन प्रेस करने पे एक सिग्नल सेंड करता है। ये एक स्पेशल तरह का बल्ब है जो इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है। इसे इंसान नहीं देख सकते लेकिन अगर हम इसे फोन के कैमरे के नीचे रख के देखें तो कुछ इस तरह का फ्लैशिंग पैटर्न दिखाई देगा। ये पैटर्न एक तरह का कोड होता है। जब हम अपने रिमोट में कोई भी बटन प्रेस करते हैं ये कोड IR सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और टीवी में लगा रिसीवर इसे डिकोड करके हमारा चैनल चेंज करता है। अच्छी बात यह है कि यह IR सिग्नल सिक्योर नहीं होता है, हमें बस इसे इंटरसेप्ट करना है और एक दूसरे डिवाइस से प्लेबैक करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये नकली रोबोट, ये भी इंफ्रारेड रिमोट पर चलता है। इसे हैक करने के लिए हमें चाहिए एक इंफ्रारेड रिसीवर एंड माइक्रो कंट्रोलर। पहले हम अपने रिमोट के सारे सिग्नल्स को डिकोड करेंगे। जैसे ही रिमोट में कोई भी बटन प्रेस होता है आउटपुट विंडो में उसका डिकोडेड मैसेज दिख जाता है। हमें बस इस मैसेज को कॉपी करना है और एक दूसरे प्रोग्राम की मदद से इसको प्लेबैक करना है और ये है उसका फाइनल रिजल्ट। लैपटॉप के ऊपर एक IR LED लगी हुई है जो कि हमारे प्री रिकॉर्डेड सिग्नल्स को प्लेबैक कर रही है। सो अब हमें रिमोट की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड यूज करके ही हम इस खिलौने को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब हमने किया सिर्फ 50 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यूज करके। इस ट्रिक से हम अपने पुराने खिलौने को नए यूज में ला सकते हैं। और अगर इससे भी एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स जानी है तो मुझे कमेंट्स में बता।